प्रधानमंत्री मोदी 21 सितंबर को अमेरिका के 3 दिन के दौरे पर जाने वाले हैं। पीएम मोदी के अमेरिका के दौरे से ठीक पहले न्यूयॉर्क के स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ और भारत विरोधी नारे लिखे जाने का मामला सामने आया है। इस मुद्दे पर भारतीय वाणिज्य दूतावास ने भी बयान जारी कर दिया है और कड़ी आपत्ति उनकी तरफ से जताई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे से पहले न्यूयॉर्क में बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में तोड़फोड़ की गई। मंदिर के साइन बोर्ड पर स्प्रे पेंट से भारत विरोधी नारे लिखे गए और मंदिर के बाहर सड़क और प्रतीक चिन्हों पर भी आपत्तिजनक शब्द लिखे गए हैं। इस घटना पर भारत के वाणिज्य दूतावास ने कड़ी आपत्ति जताई है। भारत ने अमेरिकी अधिकारियों के सामने ये मुद्दा उठाया और अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। न्यूयॉर्क स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, न्यूयॉर्क के मेलविले में बीएपीएस स्वामी नारायण मंदिर के पास संकेतक बोर्ड में की गई छेड़छाड़ की घटना बर्दाश्त नहीं की जा सकती। वाणिज्य दूतावास समुदाय के संपर्क में है और इस जघन्य कृत के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून लागू करने वाली एजेंसियों के अधिकारियों के समक्ष ये मुद्दा उठाया गया है। स्वामी नारायण मंदिर पर हमले की घटना ऐसे समय में हुई है जब कुछ दिन बाद ही 22 सितंबर को पीएम मोदी नासाऊ काउंटी में एक बड़े समुदाय कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। मेलविले से नासाऊ काउंटी सिर्फ 28 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत विरोधी इस घटना के बाद बीएपीएस ने दुख जताते हुए बताया कि उत्तरी अमेरिका में इस तरह की ये पहली घटना नहीं है। हिंदू मंदिरों में पहले भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बीएपीएस ने सभी से शांति की अपील की है। आज तक ब्यूरो।